हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आतिफ अफजल और वीडियो तालीम यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप दोस्त खुश होंगे और इन्जॉय करते होंगे अपनी लाइफ में। यूज़र सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन के हवाले से आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। यूज़र, आज की वीडियो जो है वो है जी मेल, यूट्यूब और एडसेंस के हवाले से। पिछले कुछ दिनों से ये बातें बहुत सुनने को मिल रही हैं कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया, आपका यूट्यूब अकाउंट हैक हो गया और एडसेंस अकाउंट जो है वो हैक हो गया। तो इस हवाले से बहुत सी न्यूज़ मिल रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की जाए जिसमें जीमेल, एडसेंस और यूट्यूब को कैसे सिक्योर किया जाता है। इस हवाले से सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सेकेंड वेरिफिकेशन। सेकेंड वेरिफिकेशन आप जीमेल या यूट्यूब या एडसेंस के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। गूगल की सेकेंड वेरिफिकेशन को आप कैसे अनेबल कर सकते हैं अपने अकाउंट में, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूज़र हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक एंड शेयर करें। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ प्रैक्टिकल करने से पहले कि सेकेंड वेरिफिकेशन होता क्या है। गूगल सेकेंड वेरिफिकेशन जो होता है वो ये होता है कि आप अपने अकाउंट पर जब सेकेंड वेरिफिकेशन अनेबल कर लेते हैं तो आपको आपके मोबाइल पर एक कोड जो है वो रिसीव होता है और उस कोड के थ्रू आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप सेकेंड वेरिफिकेशन ऑन कर लेते हैं तो जब भी आप अपने नए अकाउंट को लॉग इन करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा और उसके बाद आप उस कोड को जब तक वहां पर नहीं देंगे तब तक आपका अकाउंट जो है वो ओपन नहीं होगा। तो यूजर, मोबाइल नॉर्मली आपके पास खुद होता है, इस वजह से जो है वो आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर रहता है इससे। वैसे सुनने में आया कि सेकंड वेरिफिकेशन को भी जो है वो हैकर्स जो है वो तोड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी आप इस जो सेकंड वेरिफिकेशन को जरूर अनेबल करें ताकि आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर रह सके। तो चलते हैं कंप्यूटर की जानिब और सीख लेते हैं इस काम को। YouTube, Gmail और Adsense के सेकंड वेरिफिकेशन को अनेबल करने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर Google को ओपन किया है। Google को ओपन करने के बाद यहां पे सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन को सर्च करें। सबसे पहले आपको ये टॉप पे एक लिंक मसूल होगा, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वीडियो की और वेबसाइट पर भी दे दूंगा। इस लिंक को ओपन करें। ओपन करने के बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से गेट स्टार्टेड का बटन डिस्प्ले हो रहा है, इस बटन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको अपना ईमेल और पासवर्ड देना होगा, तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल जिस डिवाइस पर ओपन है वो डिवाइस जो है वो वहाँ पे दिखाई जाएगी। जैसे कि मैं F9 यूज़ करता हूँ तो F9 की डिवाइस जो है यहाँ पर मुझे डिस्प्ले की गई है। उसके बाद मैं ट्राई इट नाउ के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब आपके मोबाइल पर भी इस वक्त इंटरनेट ऑन होना चाहिए, आपके मोबाइल पर एक मैसेज मसूल होगा, उसको आपने यस के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मोबाइल पर यस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो है वो टाइप करना है और अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद टेक्स्ट मैसेज या फ़ोन नंबर यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है या टेक्स्ट मैसेज कर ले। मैं सिंपली टेक्स्ट मैसेज पर सिलेक्ट रहने देता हूँ, उसके बाद सेंड पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सेंड पर क्लिक करूँगा तो थोड़ी देर बाद मुझे मोबाइल नंबर पर एक मैसेज मसूल होगा जिसमें एक कोड होगा। इस कोड को जो है आपने किसी को बताना नहीं और इस कोड को मैं यहां पर टाइप कर लेता हूं। टाइप करने के बाद मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लेता हूं। आपकी जो वेरिफिकेशन है यहां पर आपको बताया जा रहा है कि अभी टर्न ऑन सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आपको यहां पर आपको सिंपली जो है टर्न ऑन के बटन पर क्लिक करना है। लें जी, आपकी सेकंड स्टेप जो वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप और मजीद जो है इसको सिक्योर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। मजीद अगर आपको मजीद इससे आगे भी जो है वो करना चाहें तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इसके हवाले से मजीद और वीडियो बना दूंगा, ठीक है जी। ताकि मतलब ये कि भाई एक ये जो है
इस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप अपने इसको जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, सिक्योरिटी की के थ्रू जो है वो अपना सिक्योर कर सकते हैं, और बैकअप कोड के थ्रू अपने जीमेल को जो है वो अपना सिक्योर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं इसके बारे में आपको जो है वो मज़ीद बताऊंगा कि भी आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने जीमेल अकाउंट को कैसे जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। जी तो यूज़र, कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक एंड शेयर कीजिए। इंशाल्लाह और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।